खाना काबा पे पड़ी जब पहली नज़र. सो मैं सब आप सबसे जो वो एक फीलिंग्स हैं वो जानना चाहूँगी. आप तो तीन दफ़ा माशाल्लाह गए. मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मुसलमान जब खाना काबा पहली दफ़ा देखता है होती उसकी आंखों में आंसू जरूर. बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑटोमेटिकली. यू कांट कंट्रोल. ऑटोमेटिकली यू कांट कंट्रोल दैट. ना क्या वहां है. यस, पहली बार यकीन ही नहीं आ रहा होता पहली दफा में वाकई. मुझे ऐसा लग, जब मेरी नजर खाना काबा पे पहली दफा पड़ी थी तो मैंने मेरी मदर इन लॉ यासिर, मेरा देवर, मेरी नंद, हम सब लोग साथ गए थे. मेरी मदर इन लॉ, जैसे आप कह रहे हैं ना, आप आते थे, कन्वेंस करते थे, सबको लेके जाते थे. मेरी मदर इन लॉ एक एक बच्चे को इसी तरह लेके गई. पहले अकेली गई एक बेटे के साथ, फिर वापस आई, पूरे साल ब्रेन वॉश करती रही, जाना है जाना. फिर हम दूसरे पूरी ट्रिप को लेकर गई, फिर वापस आई, फिर तीसरे, हर दफ़ा उन्होंने माशाल्लाह चार पांच उम्रे किए, तो वो हम लोगों को लेके गई. तो फिर मैंने यासर से कहा कि भाई मेरी आंखों पे रखो हाथ. मैंने तो फौरन, और जब मेरी आंखें खुली ना तो मेरी आंखें चुंदिया गई, इतनी वाइट, इतना सफ़ेद हर चीज़. और जो दिमाग में सोचा था ये दुआ करूँगी ये करूँगी, वो उस वक्त नहीं आता, वो नहीं आता, कुछ नहीं आई. आई वॉज अमेज्ड कि दुनिया की कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं देखा जगह, लेकिन वो जो जगह देखी है उसका जादू, उसका एक मतलब अजीब कुछ होता है, उसका जादू बयान नहीं कर सकते जबान से. उसका सहर वाकई, अल्फाज नहीं है उसके लिए. अच्छा, मैं तो भूल गई ना दुआ मांगना, लेकिन वो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला शायद आपसे चीज़ें खुद करवाते हैं. मेरे मुंह से जो दुआ निकली वो बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने सोची नहीं थी, मगर शायद उससे बेहतर दुआ कोई नहीं थी. और मेरे मुंह से दुआ मिली कि अल्लाह ताला मैं जो दुआ मांगू उसको, अच्छा यही मैंने बड़ा अच्छी दुआ आपने मांग ली, उसको मेरे हक में बेहतर कर, बेहतर कर दे. हाँ, ये तो बहुत अच्छी दुआ मैं कभी सोच के नहीं मांग सकती थी. हाँ, ये उसी वक्त ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकली, और मैं खुद हैरान होगी कि मैंने तो ये नहीं सोचा था, मैंने तो कुछ और सोचा था, मगर अल्लाह ताला ने कहलवाना था वो कहलवाया. आप बता रहे थे ना आपके खाने काबा पे पहली नजर पड़ी थी. तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो बस आँखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. जिसकी इतनी इतना उसका जहर था, बस मैं बता नहीं सकता. वो जैसे इन्होंने कहा कि बहुत इंसान सोच के जाता है कि मैं ये बोलूँगा, ये दवा मांगूँगा, बट वो वहाँ तो बिल्कुल आदमी अपने आप को एक डिफरेंट दुनिया में महसूस करता है. और ये अल्लाह ताला का वो उसके सामने जैसे हाजिर होना है. तो वो तो बस मैं बयान नहीं कर सकता. इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड. माशाल्लाह, जाके ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे सामने हमें देख रहा है. और मैं उससे पहले मैंने उमरा किया था एक ना हज से पहले रमज़ान में, वो भी रमज़ान में इतना मज़ा आया था. तो बहुत खूबसूरत उमरा था रमज़ान में, तो इतना मज़ा आता है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा वो रौनक, बहुत रौनक. दूसरी दफ़ा जो हम गए ना वो रमज़ान में गए, हम सारे जो मिल गए रमज़ान में, बहुत मज़ा. और रमज़ान का तो कमाल है, और रश होता होगा रमज़ान, बहुत बहुत रश होता भाई. हज जितना रश था रमज़ान में, इतना अच्छा. हमने वो रमज़ान में तो क्या समा होता है, और लोग वो खींच रहे होते हैं आपको कि इफ्तार हमारे साथ. बिल्कुल ऐसे मैंने, बैरोज ने और सलीम ने डिसाइड किया कि यार कल हम भी इफ्तार बांटें. हाँ, जितना हमसे हो सके. वहाँ तो ट्रक ट्रक लोगों ने दिए होते हैं, और बहुत ज्यादा बांटते हैं लोग. तो नेक्स्ट डे हमने जाके सामान इकट्ठा किया, और एक दरवाजे पे वो एक छोटा दरवाजा था पीछे, उस तरफ हम जाके खड़े हो गए. अब हम खड़े में और हमारी तरफ कोई आया, कोई बंदा ही नहीं हमें मिल रहा, क्योंकि उससे पहले ही वो इतने लोगों को उठा के उधर, भाई खुदा का वास्ता हमारे पास आ जा हमारे साथ. वो प्लास्टिक बिछाते हैं, वो बिछा के इमीडिएटली आते, कोई आते हैं खजूरें रख गए, कोई आए वो लबन रख गए, मतलब ऐसे इफ्तारी बट रही होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कहां से आ रही है.